Hi guys, I'm Yusra. Welcome back to my channel. And today I decided that I come super up close and personal and do another makeup look for you guys with this Kashi's palette. It's going to be a silver makeup look. और नॉर्मली ये होता है कि मैं जो है वो रात में शूट करने की आदी नहीं हूँ. मेरी ये विंडो सामने जो है वो खुली होती है और सनलाइट आ रही होती है और रिंग लाइट भी होती है और दूसरी लाइट भी होती है, लेकिन आज मैं रात में फिल्म कर रही हूँ, सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर मी. बट लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज माई ब्राउज. आई एम यूजिंग दिस पेंसिल बाय एम एन एच मी नाउ जनरेशन 2 पेंसिल. ठीक है, एंड या आपको किसी भी लोकल मार्केट से 100 रुपीज़ की अवेलेबल होगी. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इन माई ब्राउज. अच्छा, प्लीज़ नोट कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बट दिस मेकअप लुक इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द आईज एंड द आईज अलोन. तो मैं अपना फेस मेकअप यहाँ पर अगर नहीं दिखाऊँ तो प्लीज़ डोंट कम्प्लेन बिकॉज इट्स फॉर द आईज. अभी मैं बहुत स्पार्सली फिल कर रही हूँ इसको और फिर उसके बाद इस ब्रश की मदद से थोड़ा ब्लेंड आउट करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी हार्श पेंसिल है बट इसका इफेक्ट और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज लाइक स्टार्टिंग विद माई ब्राउज, क्योंकि व्हेन आई हैव माई ब्राउज ऑन तो थोड़ा सुकून होता है. ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, गंजी एंड नॉट गंजी. ओके, नाउ दैट माई ब्राउज लुक अ लिटिल बिट ह्यूमन, इनको थोड़ा सा मैं फर्दर जो है वो बेहतर करूँगी जब मैं कार्व आउट करूँगी अपनी क्रीज. लेकिन थोड़ी बहुत जब अब मेरे पास ब्राउ है तो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ द आईज. सबसे पहले आईज को करना है प्राइम. किसी भी कंसीलर या प्राइमर से आप प्राइम कर लें, और करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि मेरी आंखें देखें डिफरेंट शेड्स में, ये डार्क है ये लाइट है, तो सारा एक टोन हो जाए. तो जल्दी से प्राइम करते हैं. उन्हें मैं इसलिए हूँ, आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद दिस फिल्मिंग सेटअप. लाइक रात में पता नहीं मुझे लग रहा है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा. मैं वैसी बहुत अंधी हूँ, दोज़ हूँ नोमी नो कि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, बट इट्स मेकिंग इट वर्स. ओके, इट्स मेकिंग इट वर्स. आई विश दिस पैलेट हैड लाइक अ शेड टू सेट एवरी थिंग इन, बट यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया था, वो इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं है तो शायद चल जाए. लेट्स सी, अगर ब्लेंड नहीं हो रहा होगा तो मैं क्विकली एक सेटिंग पाउडर से सेट कर दूंगी. यहाँ पे मैं ये वाला शेड लूंगी, लाइट वाला, और अपनी क्रीज में लगाऊंगी. कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत दूर से मेकअप करती हूँ और उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता. तो बहनों और भाइयों जो मेरे मेकअप लुक्स देखते हैं, आई वोंट कॉल देम ट्यूटोरियल्स बिकॉज बहुत लोग मेरी बेइज्जती करते हैं मेरे मेकअप लुक्स पे कि मुझे आता नहीं है मेकअप करना. एंड अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ एक चैनल बना के मुझे सिखाएं. बट जितने भी लोग हैं जो कि मेरे मेकअप लुक्स देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं करीब से नहीं करती, मैं इसलिए करीब से नहीं करती बिकॉज यू गाइज आई एम ब्लाइंड. ओके, लाइक मेरी आई साइट बहुत वीक है, 6 और 9 है या 7 और 9 है मेरी आई साइट, और मुझे लिटरली लेंसेज के साथ भी शीशे के अंदर घुसना पड़ता है. इन दोनों शेड्स को मैं मिला रही हूँ. आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इन दी आउटर वी. आफ्टर यू आर डन एक खाली मेकअप ब्रश से विद नो प्रोडक्ट ऑन इट, जस्ट लाइक रन इट थ्रू एंड प्रे टू द गॉड्स दैट एवरीथिंग इज ब्लेंडेड. आज जो है ना, अगर कुछ ब्लेंड नहीं हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि नया सेटअप है, नई लाइटिंग है, एंड आई एम जस्ट गोइंग विद इट. ओके, सो एज यू कैन सी आई वेंट अहेड एंड पुट सम ब्लैक ओवर हियर एज वेल, और मैंने बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं, अंदर तक नहीं इसको एक्सटेंड किया, और अभी मैंने बस कलर प्लेस किया है, ब्लेंडिंग अभी रहती है. आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विद द अदर आई, एक छोटे से ब्रश से. ये ब्यूटीफाई बाय आमना का क्रीज ब्रश है दैट आई रियली रियली लाइक. मैंने यहाँ पे कलर प्लेस करना है, फॉरवर्ड लेके जाना है सर्कुलर मोशंस में, और ये करते रहना है जब तक कि यू आर हैप्पी विद द शेप. और मेरी लेफ्ट और राइट आई कभी मैच नहीं करती. टुडे इज नो डिफरेंट, आई कैन ऑलरेडी टेल कि मैच नहीं करने वाली.
काफ़ी सारी ब्लेंडिंग के बाद और अल्लाह ताला से दुआओं के बाद थोड़ा सा ये बेहतर लगने लगा है एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन टेकिंग अ क्लीन ब्रश सम मिस रोज कंसीलर एंड अ फ्लैट ब्रश कटिंग माई क्रीज. So after the crease is cut, इतना ज़्यादा neat नहीं है but I'm not going to be that bothered about it right now. मैं ये वाला color ले रही हूँ, ये थोड़ा सा champagne ही है, silver तो नहीं है, लेकिन I'm just going to apply it onto my eye. नेक्स्ट आई एम जस्ट टेकिंग द ब्रश जिससे मैंने इनिशियल क्रीज कलर लगाया था और उससे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा जो है एक ब्लेंड देने की अपनी आंखों को कोशिश कर रही हूँ, वरना कुछ बाजियाँ चीखेंगी आपको तो मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप क्यों कर रही हैं. और मैं उस पर कभी कभार सोचती हूँ कि पता नहीं क्या वो मेरी लाइट्स के लिए पे करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, सेटअप के लिए पे करें, या मेरे मेकअप के लिए पे करें जो इतनी बातें करते हैं. ये हैंग फेंग की ग्लिटर ले रही हूँ इन सिल्वर, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा कलर मिट गया है, लेकिन आप फायर ग्लो से ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से ऑर्डर की थी तो इंस्टाग्राम पर है, और जहाँ पे मैंने ये सिल्वर लगाया हुआ है वहीं पे ही ये लगा रही हूँ. आप ये देख सकते हैं कि ग्लिटर के ऊपर एक हार्श सी लाइन है बिकॉज हमने ऑब्वियसली उसको काटा था तो वो थोड़ी हार्श हो गई थी. सो इसको ब्लेंड करेंगे और ये जो बीच में लाइन है ना इसको zigzag करेंगे तो ये भी ब्लेंड होती जाएगी. आई एम टेकिंग अ वाइप जिससे मैंने अभी अपने हाथों को साफ किया है एंड क्रिएटिंग एन एंगल. अच्छी बात ये थी कि मैंने कोई फाउंडेशन अभी तक नहीं लगाया हुआ, सो ब्राउ उड़ा दी मैंने. मेरी तरह ऐसा ना करिएगा, मैं अपनी ज़्यादा ना वीडियो से गलतियाँ एडिट नहीं करती, पहले करती थी, पहले जब, अब मैं ख़ुद एडिट करती हूँ, पहले माई हस्बैंड यूज़ टू एडिट माई वीडियोस, तो उस वक्त हम सारी गलतियाँ हटा देते थे, बट अब क्योंकि मैं करती हूँ तो आई लेट देम बी, यू नो, कोई बात नहीं, अगर गलती कर दी तो क्या हुआ, इट्स जस्ट यू गाइज एंड यू गाइज आर फैम. मिस रोज़ का यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है, ब्लेंडिंग इट आउट विद द ब्रश बिकॉज आई एम टू लेजी टू फाइंड माई ब्यूटी ब्लेंडर. यूजिंग दिस ग्लैमरस फेस प्रेस्ड पाउडर टू सेट इट एंड फॉरगेट इट. माई लिप्स आर लुकिंग सुपर क्रस्टी एंड डिस्गस्टिंग, तो उनको मैं नेक्स के स्टॉकहोम से बस कवर कर रही हूँ. आई लव दिस कलर. पेंसिल ब्रश नहीं मिल रहा तो ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ. जो ब्रश मुझे चाहिए होता है ना वो मुझे कभी भी नहीं मिलता, और जो मुझे नहीं चाहिए होता वो सामने पड़ा होता है, तो आई थिंक मुझे उस ब्रश के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए होता, तो शायद जो चाहिए होगा ना वो नहीं घूमेगा. आई डोंट नो. सो टेकिंग द डार्क ब्राउन एंड द लाइट ब्राउन, दीज टू कलर्स फ्रॉम द पैलेट एंड जूप. नेक्स्ट टेकिंग दिस ब्रश, taking this black and coloring. काजल मैंने लगा लिया है, अब मैं करूंगी थोड़ी सी कंट्रोलिंग. आई नो इट्स कॉन्टोरिंग, आई डोंट नो वाई कुछ लोग कंट्रोलिंग कहते हैं इसको, लाइक कुछ मेकअप आर्टिस्ट, जब मैं उनसे मेकअप करवाती थी तो कहते थे कंट्रोलिंग, सो आई जस्ट फेल्ट लाइक कॉपिंग देम. मैंने लिजिट बहुत कैजुअल किस्म का कॉन्टोर किया है बिकॉज इट्स लाइक 12 एट नाइट एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस मेकअप ऑफ एनी वे, सो बेयर विद मी सिस, कीपिंग द लेगेसी अलाइव जो मैंने पिछली बार किया था, इसी से हल्का सा. आई मीन आई नो इट्स गोइंग टू लुक अ लिटिल बिट पैची, बट अ लॉट बिट पैची, लेकिन इसी से हम ब्लश बना रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं.
क्योंकि देखें आपके पास जब पिगमेंट है ना तो यू कैन यूज इट फॉर एनी थिंग. यू कैन ऑल्सो मेक अ ब्लश आउट ऑफ इट. लिपस्टिक से भी आप ब्लश बना सकते हैं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो के वर्सेटाइल पैलेट है, अच्छा पैलेट है. नॉट स्पॉन्सर्ड बट इट्स एक्चुअली अ नाइस पैलेट. पहले मैं सोची थी किसी और पैलेट को लेके लुक कराऊं, फिर मैंने कहा वाई नॉट, 2500 का है, सब खरीद सकते हैं, सब यूटिलाइज कर सकते हैं इन पैसों को एक अच्छी चीज लेने में. सो वाई नॉट. नेक्स्ट अगेन मिक्सिंग दीज टू शेड्स फ्रॉम द पैलेट, पुटिंग दैट हाइलाइटर ऑन. And the look is complete. समझ नहीं आ रहा बाल बांधे रखूँ या खोल दूँ. खोल देते हैं. Even though I prefer my hair tied, आजकल गर्मी इतनी है. ये earrings मैंने जेवर धागा से लिए हैं. You can search for them on Instagram. They're so beautiful. Night suit के ऊपर earrings. Life of a beauty blogger. क्यों? Anyway, forget my frizzy hair. बहुत गर्मी है, मेरे बाल किसी तरीके से टेम नहीं होते. बस मेकअप पे कॉन्सेंट्रेट करें. And the look is complete using the काशीज़ पैलेट अगेन. जैसमिन क्वीन पैलेट है, 2500 का है, मैंने अपने पैसों से लिया है और उससे ये सिल्वर लुक किया है. आई होप यू गाइज enjoyed दिस मेकअप लुक. इफ़ यू डिड गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर समवेयर. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और स्नैपचैट पे मुझे फॉलो करें. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो.